हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुखेजा ट्यूशन्स। मैं थोड़ा सारियां दा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी सुखेजा ट्यूशन्स दे विच। जिवें कि सानू सारियां नू पता ही है, आपां एनटीटी दे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दे क्वेश्चन्स दे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीते हैं। कल अपना फर्स्ट लैक्चर सी, अज अपना दूसरा लैक्चर है जी। अज मैं थोड़े लिए रीजनिंग दे क्वेश्चन्स लेके आई हाँ, बिल्कुल एनटीटी लैवल दे ही क्वेश्चन्स ने ये, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर दे विच आ भी चुके हैं। स्टूडेंट्स, लैक्चर दे विच टाइम नाल आ जाया करो, अगर सानू अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करो। देखो जी, असी बहुत मेहनत नाल लैक्चर बना के थोड़े लिए लेके आने हैं, लाइक कमेंट शेयर करने लिए कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, कुछ ही सकिंट लगते हैं, ठीक है। लाइक ते शेयर कमेंट करोगे उहदे विच भी थोड़ा ही फायदा है। की फायदा है, सानू पता चलेगा कि सानू समझ आ रहा है, सानू अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर दिया करो। करते हैं जी अज का लैक्चर शुरू। देखो की दिता है, एक निश्चित भाषा विच नौ नू नाइन नू यू दे रूप विच कोड किया गया है, तीन नू ई दे रूप विच कोड किया गया है, छे नू पी दे रूप विच कोड किया गया, एक नू एस दे रूप विच अते दो नू आर दे रूप विच कोड किया गया। उस भाषा विच छे दो तीन एक एक नौ दो तीन नू किमें कोड किया जाऊगा जा फिर किमें कोड किया गया है। इन्होंने स्टूडेंट्स सानू की दस्या है, इन्होंने सानू दस्या कि किसी निश्चित भाषा विच नाइन नू, ठीक है, नाइन नू यू दे रूप विच कोड किया गया है, ठीक है। फिर तीन नू ई दे रूप विच कि नौ नू यू लिखे है, ठीक है, नौ नंबर नू यू लिखे है, तीन नंबर नू ई लिखे है, छे नू पी दे रूप विच कोड किया गया है, एक नू एस दे रूप विच ते दो नू आर दे रूप विच। उस भाषा विच फिर आ नंबर दिते हुए हैं, दसो किमें कोड किया जाऊगा। पहला छे देखो, छे नू पी, ठीक है, फिर टू 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 नंबर आर, ठीक है, फिर थ्री ई, ठीक है, फिर वन 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 एस ते एस, फिर नौ आ गया यू, फिर टू आ गया आर, फिर तीन आ गया ई। आ गया जी, की बन गया प्रेशर, पी आर ई डबल एस यू आर ई। आंसर देखो कितने है, पी आर ई डबल एस यू आर ई। समझ आ गया स्टूडेंट्स। सोनू नंबर्स दिते हुए हैं, नौ नू यू दे रूप दे विच कोड किया गया, तीन नू ई, ठीक है, छे नू पी, फिर एक नू एस ते दो नू आर, ते एक अपन नंबर देता छे दो तीन एक एक नौ दो ते तीन, बस सिंपल की करना है, एवें तुसी लिख देना कोड देख देख के। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, हुण इन्होंने की कहा, ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश दे विच दिता है, इसका मतलब उही रहूगा, ठीक है। इन्हें सर्टन कोड किसी निश्चित कोड दे विच सील नू, सील नू लिखा गया जी डॉलर सैवन फाइव एट द रेट, ठीक है, एंड डोस ते डोस नू लिखा गया है हैश एट डॉलर सैवन। तो दसो सोल्ड किमें लिखा जाऊगा, हाउ इज सोल्ड रिटन इन दैट लैंग्वेज। इन्होंने की कहा, किसी निश्चित भाषा विच सील नू लिखा गया डॉलर सैवन फाइव एट द रेट अते डोस नू लिखा गया हैश एट द एट डॉलर सैवन। तो दसो सोल्ड नू किमें लिखा जाऊगा उसी भाषा दे विच। हुण तुसी देखो बच्चो, एदा कोई लॉजिक तो बनता नहीं। वैसे अगर तुसी रीजनिंग करनी है जी, रीजनिंग दे बहुत सारे लैक्चर सुखेजा ट्यूशन्स ते पए हैं, कोडिंग डिकोडिंग दे क्वेश्चन्स हैं, ये तुसी कोडिंग डिकोडिंग दियां क्लासेस दे विच देख सकते हो। यह सारे सेम क्वेश्चन्स मैंने करवा रखे हैं उत्थे, ठीक है। सील ते डोस, एस दा डॉलर है, एस दा डॉलर है, ई दा सत्त है, ई दा सत्त है, मतलब की होया, मतलब तुसी इत्थों देख के ही सारे लिखते जाने हैं। एस एस दा आ गया डॉलर, ओ एट आ गया, एल एट द रेट आ गया, डी हैश आ गया, ताकि बन गया जी
$8@#$8@#। समझ आ गया स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सी, कुछ भी मुश्किल नहीं सी, ठीक है जी। चलिए आगे, हुण इन्हां ने की कहा आपां नूं, दित्ते गए विकल्पां विचों संबंधित नंबरां अक्षरां दी चोण करो। यह मैंने जी अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है, ते नंबर एनालॉजी दे विच सोनू दोनों टाइप्स दे क्वेश्चंस करवाए हैं। जिन्ना स्टूडेंट्स ने लैक्चर्स लगाने हैं वह सुखेजा ट्यूशन्स ते रीजनिंग दी क्लासेस दे विच जाके देख सकदे हो, ठीक है। देखो की दिता होया है, इनू एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। आ जड़ियां चीजा आ जांदियां ने ना रेशो वालियां, ठीक है, इनू एनालॉजी कहा जाता है रीजनिंग च। इन्होंने की दिता है सी डी ई, ठीक है। यदा लिंक कि बनाया पी क्यू आर, फिर जे के एल, मतलब पिछों आपने देखना है वाई एक्स डबल्यू, ये तो नहीं बनया डबल्यू वाई एक्स, ये भी नहीं बनया डबल्यू एक्स वाई, ये बन सकता है एक्स डबल्यू वाई, ये भी नहीं बनया क्योंकि पिछों अल्फाबेट्स नू लिखते आ रहे हैं तो वह सेम अपने बनने चाहिए हैं, जिमें कि डबल्यू एक्स ते वाई, ठीक है। जिमें सी डी ई सी, पी क्यू आर सी, जे के एल सी, एम ही की आजूगा जी डबल्यू एक्स वाई, ठीक है। डबल्यू एक्स वाई आंसर की आ गया अपना तीजा, ठीक है। ये तुसी एनोलजी दे विच स्टूडेंट्स देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे, 2:22। ये क्वेश्चन दे विच की हुंदा है, जिमें कि आ चीज़ का रिलेशन जो हैगा, जो आ चीज़ का रिलेशन हैगा, अगले दो दा भी उमें ही रिलेशन आपने फाइंड आउट करना होंदा है, ठीक है। उमें ही रिलेशन आपने लभना होंदा है, जिमें हुण आपां दे रखे 2 ते 22, 2 तो 22 बनाया, 2 तो 22 किवें बनूगा जे आपां 2 × 10 कर दिए 20 आ गया, 20 च अगर आपां 2 जोड़ दिए तो 22 बन जूगा, बन गया जी 22, ठीक है। हुण इन्हां ने इत्थे क्वेश्चन मार्क पाता, हुण इन्हां ने कहा हुण दसो की बनूगा, मतलब इत्थे की आऊगा, सेम लॉजिक लगना चाहिए। अगर आप 220 × 2 करांगे ये तो नहीं बनूगा, ठीक है। अगर इत्थे 2 करांगे ये भी नहीं बनूगा, 200 × 2 करके देखिए 4, 0, 4, ठीक है, प्लस 2 ये भी नहीं बन रहा, 22 × 2 ये शायद कोई क्वेश्चन मिस्टेक है राजे, 2 × 2, 4, 2 × 2 ये तो सारे ही 4 वाले आएंगे, देखो ये भी 400 बनूगा, ठीक है। ये कोई मिसटेक है राजे, ये मैं नैक्सट क्लास के सोर्ट आउट करवा दूंगी कि ये गलती सी, ठीक है। नैक्सट क्लास लिए छड़ दो राजे, ये कोई एरर है या तो कोई प्रिंटिंग एरर, ठीक है, या कोई ऑप्शन के कोई गलती दी होगी, इनू छड़ दो, ठीक है। नैक्सट आ जाओ, अगे आ जाओ जी। निम्नलिखित 4 विचों 3 एक निश्चित तरीके नाल इको जहे हैं, ठीक है। इन्होंने की कहा कि निम्नलिखित 4 विचों 3 एक निश्चित तरीके नाल इको जहे हैं, ठीक है, कि जिमें कि नीचे है आपां दे रखे हैं 4 4, वह 3 तो एक तरीके दे ने पर उन्हां चों एक अलग है, इस तरह एक समूह बनाउंदे हैं, तो वह एक समूह बनाते हैं, वह केड़ा है जो ग्रुप नाल संबंधित नहीं है, वह केड़ा है जो ग्रुप नाल संबंधित नहीं है। हुण इन्होंने सब तो पहला की दिता है एलमीनियम, ठीक है, एलोमीनियम, उस तो बाद दिता है निकल, उस तो बाद दिता है तांबा, उस तो बाद दिता है पारा, पारा मरकरी हो गया, ठीक है जी। हुण तुसी दसना है भी इन्हां चों केड़ा डिफरेंट है। देखो बच्चे, जिहड़ा एलमीनियम हुंदा है ये भी सख्त हुंदा है, निकल भी हार्ड हुंदा है, तांबा भी हार्ड हुंदा है, मतलब यह सोलिड फॉर्म दे विच हुंदे हैं, ठीक है, मतलब कि यह सोलिड फॉर्म दे विच हुंदे हैं, लेकिन जिहड़ा पारा हुंदा है, मरकरी हुंदा है, सिर्फ आही एक लिक्विड फॉर्म दे विच हुंदा है, तो अपना आंसर की आजूगा, अपना आंसर आजूगा जी पारा मरकरी, ठीक है। एलमीनियम, निकल ते तांबा
ठीक है, कोपर, ठीक है, यह की होंगे तीनों, यह तीनों जी सोलिड फॉर्म के होंगे ने, सोलिड फॉर्म के होंगे है, लेकिन जी पारा होंगे मरकरी होंगे यह लिक्विड फॉर्म के होंगे मैटल, इस करके अपना आंसर की आजूगा जी मरकरी आजूगा। ठीक है, हूँ आप नंबर दिते हुए हैं 51, 24, 35, 65, इन्हों चो दसो ओड वन आउट केड़ा है। सब तो पहला तो देखो 24, आप 24 लगा सकते हैं ओड वन आउट, क्यों, क्योंकि सिर्फ 24 ही ईवन नंबर है, बाकी सारे की हैं ओड नंबर हैं। 24 ईवन नंबर है, बाकी सारे की हैं बच्चे ओड नंबर हैं। ठीक है, 51 देखो, अगर आप इनू देखिए तीन नाल यह गुणा भाग होंगे, 5 + 1 = 6, हाँ जी तीन नाल होंगे, 2 + 4 की आ गया 6, ये भी होंगे जी, 3 + 5 = 8, ये नहीं होंगे। ठीक है, 6 + 5 = 11, ये भी नहीं होंगे, मतलब आही आंसर बनूगा 24। या फिर ये दो तरीके होंगे हैं, या तो ईवन ओड देख लो, या फिर स्केयर क्यूब, ठीक है, या फिर वल देख लो कि केड़ा की है। ठीक है, या तो ईवन ओड, या तुसी देख लो डिबल देख लो, एक नंबर होगा उस नंबर ना, जिमें कि आप तीन ते देखिए सी, ठीक है, आ भी तीन ते जा रहा सी, आ भी जा रहा सी, पर ये दोनों नहीं जा रहे सी, फिर इन्हां चो एवें होगा कि कोई एक जिहा नंबर होगा जिहड़ा तीन ते डिविजिबल नहीं होगा, तो वह थोड़ा आंसर हो सकता है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल चीज़ा ने, कुछ भी मुश्किल नहीं हैगा। ठीक है, यह सारे जिहड़े क्वेश्चन्स हैगे ने यह सारे प्रीवियस ईयर दे विच आए हुए ने। ठीक है, ये सारे अपने प्रीवियस ईयर दे विच आए हुए ने। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ी नेट दे विच गड़बड़ी आ रही है जी, जे स्क्रीन ब्लैक हो गई होएगी तो तुसी देख लियो। अगला जो हेठ दित्ती लड़ी विचों गलत शब्द लभो या गलत नंबर लभो, ठीक है, जेड़ी आपां नूं इह दित्ती है लड़ी दित्ती है, जो आपां ने गलत नंबर लभने हैं, वह किवें लभांगे, मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी देखांगे। हुण 24 ते 52 है, अगर आप 24 नूं 2 नाल गुणा करांगे, ठीक है, 48 बन जूगा, प्लस 4 करांगे 52 रहे हैं, अगे भी फिर उमें ही आना चाहिए, अगर 52 × 2 करांगे, ठीक है, की आजू 52 × 2 4, 5 × 2 = 10, प्लस 4 करांगे तो 108 आना चाहिए, 108 आना, लेकिन इतने 112 आ रहे हैं। चलो हुण आपां 108 नूं करके देखते हैं, 2 × 8 = 2 = 16, 1 × 2 = 2 = 216 आ गया, 108 × 2 = 216, प्लस 4 करांगे तो 220 आ गया, हाँ मतलब 112 दे विच गड़बड़ी लग रही है, पर आपां सारा करके देखना पैना है, 220 × 2 किन्ना आ गया, प्लस 4, ठीक है, 440 आ गया, प्लस 4 किन्ना आ गया जी अपना 444, ठीक है। हुण अगर इहनूं 444 × 2 करोंगे तो देख लो किन्ना बनूगा, 8, 8 ते 8, प्लस 4 करांगे 892 आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर केड़ा आ गया गलत, 112, 112 क्यों गलत आ गया जी, 112 की थां ते की आना चाहिए सी, 108 आना चाहिए सी। समझ गए बच्चों, सिंपल चीज़ा होंदिया ने। हुण आ जाओ नीचे, ये आप ही करोगे ट्राई, करो फटाफट करो ट्राई, ट्राई करो जी, 16 × 4 = 2, 1.5 = 1.75, 1.875, 875। देखो जी 16 ते 4, अगर आप 16 नूं 4 नाल भाग करांगे तो 4 आजूगा, 4 नूं फिर 2 नाल करांगे 1 आजूगा, 2 नूं अगर 1 नाल कर दे तो 1 आना चाहिए सी, फिर 1 नूं अगर आप 0.5 नाल कर दे, 1 × 10/5 कर दे तो 2 आना चाहिए सी। देखो फिर कितने गड़बड़ी है, देखो देखो कितने गड़बड़ी है, वो अद्धे अद्धे नाल लग रहे हैं कि अद्धे अद्धे नाल कीता है, अद्धे अद्धे नाल ही कीता है जी, ठीक है, वो अद्धे अद्धे नाल ही कीता है, 16 4
दो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तुसी करो करके लेके आऊंगे। ये कल भी सानू एक क्वेश्चन होमवर्क लई दिता सी इंग्लिश दा, ठीक है। जदों थोड़े पांच क्वेश्चन हो गए होमवर्क वाले, एक कल दिता सी एक अज दे रही हां, ठीक है। तो यह पांच क्वेश्चन इकट्ठे आप डिस्कस करांगे। यह बच्चे तुसी प्रैक्टिस करना है, मैं सानू हिंट दे दिता है कि किवें होना है। 16 4 2 1.5 1.75 1.875 डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तुसी आप देखना है, ठीक है। कल भी मैं थोनों एक प्रैपोजिशन का क्वेश्चन दिता सी, ठीक है। तो हर रोज़ थोनों एक क्वेश्चन होमवर्क लई दिता जाऊगा, ता ही थोड़ी सीरीयसनैस का पता चलेगा। क्लीयर है, कर लोंगे हा क्वेश्चन करके आना। जिदन पांच क्वेश्चन हो गए तो आप उन्होंने करांगे, ठीक है। नैक्सट आ जाओ जी। इलैक्ट्रिक फिलामेंट विच वरत्या जाण वाला तत् है, ठीक है। जिहड़ी कि फिलामेंट हुंदी है, बल्लब दे विच फिलामेंट हुंदी है इक, ओह कादी बनी हुई हुंदी है, कापर दी, कोपर दी, एलूमीनियम दी, आयरन दी या टंगस्टन दी, ठीक है। या फिर टंगस्टन दी कादी बनी हुई हुंदी है जी, ओह बनी हुंदी है जी टंगस्टन दी, ठीक है। कोपर, एलूमीनियम, आयरन या टंगस्टन, आंसर की आऊगा जी टंगस्टन, ठीक है जी। ये साइंस का क्वेश्चन है, सोनू टेंथ लेवल तक दी, मैट्रिक लेवल तक दी साइंस भी आऊगी। अगे आ जाओ जी। हेठ दिते तत्तां विचों सब तो सख्त तत् केड़ा है? हेठ दिते तत्तां विचों सब तो सख्त तत् केड़ा है? हार्डेस्ट एलीमेंट कोपर, हीरा, आयरन या सिलिकॉन, केड़ा है जी? कोपर। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलीमेंट, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलीमेंट, सब तो सख्त तत् केड़ा है जी? डायमंड। समझ के स्टूडेंट, अज सोनू 10 क्वेश्चंस दा मैं करवाया है, जिदे विचों की रीजनिंग दे क्वेश्चन सी, नंबर सीरीज दे क्वेश्चन सी, ते दो अखीर च साइंस दे क्वेश्चन सी। उन्हां चो एक क्वेश्चन मैं सोनू होमवर्क लई दित्ता है। मैं सोनू कल भी एक क्वेश्चन होमवर्क लई दित्ता सी। मैं सोनू जिवें दस्या कि पांच क्वेश्चन हो गए, तां तुहाडी इह क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगी। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हां उन्हां नूं अपने हाथ नाल प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलदे हां आपां कल नूं। स्टूडेंट्स सारे लैक्चर्स नूं बहुत ध्यान नाल देखना, लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर देना, ते क्लास दे विच बच्चो टाइम नाल आ जाया करो। ज़्यादा टाइम नहीं आपां लगांदे, अद्धे घंटे दी 35 मिनट दी अपनी क्लास हुंदी है, प्रैक्टिस सैट ते आपां 20-25 मिनट ही लगाने हां, ठीक है। तो हुण ही तो सीरियस हो जाओ ताकि तुसी सक्सेसफुल हो सको, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलदे हां आपां फिर नैक्सट क्लास दे विच। तैयारी नूं जारी रखो, सारियां 3 क्लासेस चल रही हैं, एक दो दिन होर भी क्लासेस स्टार्ट हो जानियां ने, तां सारियां क्लासेस बहुत ही ध्यान नाल लगांदे रहो। ओके स्टूडेंट्स।